हेलो बच्चों, आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ। ये बात है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में। हम लोग अक्सर सोचते हैं अभी हम 9th में आए हैं, अभी हम 10th में आए हैं, फिर हम 11th करेंगे, 12th करेंगे, उसके बाद हम लोग IIT करेंगे या फिर हम लोग नीट की प्रिपरेशन करेंगे या फिर हम कोई NDA जैसा एग्जाम निकालेंगे और उसके बाद हमको कहीं से स्कॉलरशिप मिलेगा या फिर लोन मिलेगा या हमारे पेरेंट्स ही हमारे पे करेंगे सारे के सारे फीस को। पर ऐसा नहीं है। आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं और बड़ी स्कॉलरशिप प्रोग्राम हमको देखने के लिए मिलती है। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि आप क्लास 10th में ही और क्लास 9th में ही स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद से निकाल सकते हैं। हाँ, आपने ठीक सुना है, आप अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद से निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये है NTSC एग्जाम। अब आपको एकदम नया लग रहा होगा, आप में से कई स्टूडेंट्स ने, आई बैट कि 90% स्टूडेंट्स ने इसके बारे में सुना ही नहीं होगा, ना ही आपके टीचर्स आपको बताते हैं। बट आज मैं बताऊंगी इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए बच्चों, हम अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकाल सकते हैं। वो कैसे? तो हम NTSC एग्जाम देंगे। NTSC एग्जाम होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये इकलौता एक ऐसा एग्जाम है जो इजी भी है और जो कि हमारी गवर्नमेंट बॉडी, मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो इसको कंडक्ट करवाती है। क्यों करवाती है? ताकि अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको पढ़ाई का खर्चा उनके पेरेंट्स को ना देना पड़े या फिर उनको ये ना सोचना पड़े कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम आगे पढ़ाई नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जानते हैं कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता क्या है? पहली बात तो इसको नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कंडक्ट कराता है, तो NCERT। आप लोगों को पता ही है NCERT CBSE के लिए भगवान है। आप लोग पूरा क्लास 6 से NCERT की बुक्स पढ़ते हैं जो काफी चीप आती है, और 9th और 10th में तो 11th 12th में तो NCERT हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाती है। इनफैक्ट बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऐसे हैं जो कि NCERT की बुक्स को पढ़कर ही निकाले जा सकते हैं। अब समझते हैं कि NTSC एक्चुअली है क्या। तो चलिए अब आते हैं कि व्हाट इज NTSC, क्योंकि आपको अभी तक नहीं पता कि NTSC क्या है। अभी तक आप लोग सोचते हैं कि हम अपने पेरेंट्स पे बर्डन है, उनका काफी ज्यादा जो उनका सैलरी का या फिर जो भी वो कमा रहे हैं उसका बहुत बड़ा अमाउंट हमारे ऊपर, हम बच्चों के ऊपर खर्च हो जाता है। तो है क्या ये? ये नेशनल लेवल स्कॉलरशिप एग्जाम है। स्कॉलरशिप वो होता है जहां पर कि बच्चों को पैसा मिलता है उनकी पढ़ाई के लिए, और ये होता है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। आप क्लास 9th में भी इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं, इसके एग्जाम के फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप इसको बिल्कुल फिल करें और ट्राई करें इस एग्जाम के लिए। ये कैसा एग्जाम है? ऑनलाइन एग्जाम है कि ऑफलाइन? ये ऑफलाइन स्कॉलरशिप एग्जाम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करवाती है और कंडक्ट करवाता है NCERT। फिर जो एग्जाम है वो दो स्टेजेस में कंडक्ट होता है, स्टेज 1 जो कि स्टेट लेवल है और स्टेज 2 जो कि नेशनल लेवल है। जब आप स्टेज 1 को क्लियर करेंगे तभी आप नेशनल लेवल माने कि स्टेज 2 को दे सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है व्हाई NTSC। तो इट इज फॉर टू एनकरेज हायर स्टडी इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस, ताकि बच्चे साइंस की फील्ड में और सोशल साइंस की फील्ड में आगे तक पढ़ाई कर सके और उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना आए। अब और आगे बात करते हैं कि आपकी जो NTSC का एग्जाम है वो हम कैसे दे सकते हैं और क्या क्या सिलेबस होता है और कहाँ से हम इसका फॉर्म भर सकते हैं, किस तरह से हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे, हमारे 10th है, हमारे बोर्ड्स हैं, हम बोर्ड्स की तैयारी करें या NTSC की करें, तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो व्हाई शुड यू गो फॉर द एग्जाम, बहुत जरूरी है जानना कि आपको ये एग्जाम क्यों देना चाहिए। पहला है कि आपकी जो एकेडमिक प्रोफाइल है वो स्ट्रांग हो जाएगी। वो कैसे होगी वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। अभी क्या है कि मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, 10-10 लाख बच्चे 10th के एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आप अपनी पहचान कैसे बनाएं, इतने सारे बच्चों के बीच में आप उनमें से अलग बच्चे कैसे कहलाएं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप NTSC का एग्जाम दें। उसके अलावा
ये क्या करेगा, ऑल्सो वैल्यूड फॉर स्टडीज अब्रॉड, आपको हेल्प करेगा दूसरे देशों में जो कि अच्छे देश है जहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है वहां पर आपको हेल्प करेगा स्टडी के लिए। उसके बाद गेटिंग एन एक्स्ट्रा एज इन जॉब एप्लीकेशन, आप जॉब के लिए जाएंगे और कहेंगे कि मैंने NTSC यानी गवर्नमेंट बॉडी का एग्जाम क्रैक किया हुआ है, तो आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। साथ में आपको फाइनेंशियल हेल्प होगा, पैसे से हेल्प होगा, जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में रहोगे तब तक गवर्नमेंट आपको पैसे से हेल्प करेगी। अब बात करते हैं कि NTSC के कितने लेवल होते हैं। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि NTSC के दो लेवल होते हैं, इसमें आता है लेवल 1 और लेवल 2। इसको कह सकते हैं स्टेज 1 और स्टेज 2। जो स्टेज 1 होती है वो स्टेट लेवल की होती है, तो इसको हम STSC भी कह सकते हैं, लेकिन कंबाइंडली इसको हम NTSC ही कहते हैं। स्टेट लेवल का एग्जाम है यहाँ पर, ये जो कंडक्ट करवाता है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SIERT करवाता है। जब आप स्टेज 1 को क्लियर कर लेंगे तब आप स्टेज 2 दे पाएंगे, और ये जो है ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, इसको कौन कंडक्ट करवाता है, NCERT करवाता है। अब और आगे बात करते हैं कि कौन से बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या कौन से बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो पहला है कि भैया आप इंडियन नेशनल होने चाहिए, मतलब कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आप भारतीय होने चाहिए, कोई दूसरी कंट्री का स्टूडेंट इस एग्जाम को फिल नहीं कर सकता है। फिर आप क्लास 9th में तो फिल कर सकते हैं, क्लास 10th में है तो फिल कर सकते हैं। अब क्लास 10th स्टूडेंट कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर स्टेज 1, ऐसा नहीं है कि आप 9th में हैं तो स्टेज 1 को अप्लाई करेंगे, 10th में स्टेज 2 को नहीं, आप 10th में भी स्टेज 1 को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या जरूरी है, अगर आप जर्नल कैटेगरी में आते हैं या OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास 9th क्लास में 60% होना चाहिए, जो कि आजकल बच्चों का आ ही जाता है। और अगर आप SC ST या फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, तो आप 55% के साथ भी इसके लिए एप्लीकेबल हैं। फिर उसके बाद आपका जो स्कूल है वो आपका स्टेट पर या यूनियन टेरिटरी में वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अगर आपका स्कूल ऐसा है कि वहां वो NTSC से बिलोंग नहीं करता है या वहां पर एफिलेटेड नहीं है, तो आप अपने स्कूल वालों से जाके पूछें कि वो एफिलेटेड है या नहीं है। और अगर स्कूल वाले नहीं है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप जाके वहां पर एफिलेशन करवा लो। उसके बाद भी अगर वो एफिलेटेड नहीं है तो आप अपनी सिटी के KB स्कूल में जा सकते हैं, KB हर स्कूल में होता है। आप वहां जब भी NTSC के फॉर्म निकलेंगे तो आप वहां से फॉर्म ले सकते हैं, चाहे आप वहां के स्टूडेंट हैं या नहीं है वो आपको फॉर्म दे देंगे, तो आप आराम से ये पेपर भर सकते हैं। और NTSC का एग्जाम आपको फिर KB में जाकर ही देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप 10th में एक बार फेल हो चुके हैं तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते हैं। अगर आप ओपन डिस्टेंस, मतलब कि आप डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू कर रहे हो 10th, तो भी दे सकते हो, और आपकी जो एज है वो 18 से नीचे होनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप 10th में हैं और फेल नहीं हुए हैं तो आपका एज जो है वो 18 से नीचे ही होगा, मतलब कि आप एडल्ट नहीं होने चाहिए। उसके बाद आता है एग्जाम ओवरव्यू, कितनी बार एग्जाम होता है साल में और फॉर्म कैसे आते हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो जो एग्जाम है एक साल में एक बार होता है, इसका जो फॉर्म आता है वो ऑनलाइन भी आता है और ऑफलाइन भी आता है। ऑफलाइन में अगर आपका स्कूल एलिजिबल है तो वहां से ले सकते हैं, नहीं है तो KB से ले सकते हैं। और ये जो फॉर्म है ये आपके सेप्टेम्बर अक्टूबर में निकलते हैं और नवम्बर तक इसका एग्जाम, फर्स्ट स्टेज का एग्जाम हो जाता है। तो अभी जुलाई आने वाला है, जुलाई के बाद आप अगस्त सितंबर अक्टूबर तक इनके फॉर्म्स का वेट कीजिए और देखते रहिए कि फॉर्म निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, नहीं तो इन्फॉर्म मैं आपको कर दूंगी। उसके बाद नवंबर में एग्जाम हो जाएगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, जैसे कि कोविड के टाइम पर ये जो एग्जाम था वो आगे पीछे होता रहा था कि कभी थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। एग्जाम आपको ऑफलाइन ही देना पड़ेगा। एग्जाम 4 घंटे का होता है, 2 घंटे में मैट होता है और 2 घंटे में सेट होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैट क्या है और ये सेट क्या है, ठीक है, ये आपको शायद अभी तक नहीं पता। मैट जो है वो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, या फिर आप कह सकते हैं मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। और आपका जो सेट है ये कैसा है, ये आपका जो जो सेट वाला जो एग्जाम है
इसमें साइंस आता है जनरली और मैथ्स आता है, ठीक है? तो यहाँ पर भी ये एग्जाम 2 घंटे का यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्वेश्चन का पेपर कैसा आता है, पैटर्न कैसा आता है, सारे के सारे जो आते हैं वो आते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, और एक पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, टोटल मार्क्स आपके 100 के ही होते हैं। उसके बाद आपका आता है कि स्टेज 1 का सिलेबस क्या है और स्टेज 2 का सिलेबस क्या है। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 में कोई ज्यादा फर्क है नहीं, लेकिन स्टेज 1 में जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो कम होता है और स्टेज 2 में जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो ज्यादा होता है। ये दोनों ही चीज स्टेज 1 के सिलेबस को डिनोट कर रही है। पहले में मैथ है जो 2 घंटे का होता है, दूसरे में सेट है जो कि 2 घंटे का होता है। मैथ का फुल फॉर्म है मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट और सेट का फुल फॉर्म है कोहेलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो देखिए ये भी 2 घंटे का है, ये वाला का पेपर भी 2 घंटे का है, इसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे। क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? तो नो, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बिल्कुल भी बर्डन नहीं लेना दिमाग का और आराम से पेपर देना है। सिलेबस में देखिए क्या है, यहाँ वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग आती है। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स आपके एनालॉगी के आएंगे, कुछ पजल टेस्ट होगा, अल्फाबेट टेस्ट होगा, क्लासिफिकेशन होगा, वेन डायग्राम होगा, ब्लड रिलेशनशिप कि मामा के चाचा के फूफा के बेटे से फलाने का क्या रिलेशनशिप है, ये आ सकता है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट होगा और सीरीज के बारे में, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में भी पूछा जाएगा। बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, एक बार आप इससे रिलेटेड बुक्स ले लीजिए, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग, यहाँ पे आते हैं एम्बेडेड फिगर, ट्रांसपेरेंट पेपर, फोल्डिंग डू, फिक्सिंग सिचुएशन, इनकम्प्लीट फिगर, प्रॉब्लम एंड क्यूब एंड डाइस। अभी तो देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम तो जानते ही नहीं है इस सिलेबस को, लेकिन अगर आप एक बार ये ले लेंगे तो आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे। इसके बाद आपके जो फ्यूचर के एग्जाम होते हैं उसमें भी इसी तरह का सिलेबस देखने के लिए मिलता है, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं। उसके बाद आता है सेट, होलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पे मैथ्स जो है, आप जो CBSE की बुक्स में 8, 9, 10th में पढ़ते वही आएगी, उसके साथ साथ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि आप बुक्स में ही पढ़ते हैं, मेंसुरेशन, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट, नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, परसेंटेज, ज्योमेट्री, ये सब भी आप देख सकते हैं। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगी जो कि 40 मार्क्स की है। इसी तरह से मैथ्स आपका 20 मार्क्स का है। तो यहाँ पर भी सिलेबस आएगा आपका 8, 9, 10th NCERT की बुक का। और जो सोशल साइंस है ये भी 40 मार्क्स का है, 40 मार्क्स का, इसमें भी सिलेबस आएगा 8, 9, 10th की बुक का। अब ये अगर हम एग्जाम देते हैं तो हमारा और क्या फायदा है? देखिए, हमारा किसी का सपना है हम IAS बनेंगे, किसी का सपना है हम IPS बनेंगे, कोई SSC निकालना चाहता है, कोई बैंकिंग के एग्जाम निकालना चाहता है, ठीक है? ऐसे ही बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम बहुत सारे बच्चे निकालना चाहते हैं, और उसमें आते हैं GK, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। इनफैक्ट जो IAS और IPS में जो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं वो आपके 6th से लेकर 10th तक की अगर NCERT की सोशल साइंस आपने ढंग से पढ़ी है तो पूरा की पूरा क्वेश्चन वहीं से फंसता है। अगर आप इसकी तैयारी अभी कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि अपने फ्यूचर में इनमें से कोई ना कोई जरूर एग्जाम निकाल ही लेंगे, 110% आप निकाल लेंगे, क्योंकि एक दिन में तैयारी नहीं होती, एक साल में तैयारी नहीं होती। बच्चे को 6th क्लास से ही अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, तभी वो तैयारी कर पाता है। आप सोचे कि 2 साल में पढ़ूंगा, अभी मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा, अभी मैं मजे करूंगा, 2 साल पढ़ूंगा जब मैं कॉलेज क्लियर कर लूंगा उसके बाद मेरा हो जाएगा, नहीं, आपके पीछे और भी बच्चे हैं जो 6th क्लास से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं सोशल साइंस की, उन्होंने NCERT की बुक को पूरा घोल के पी लिया है क्योंकि उनको पता है GK और GA उनका आएगा ही आएगा। तो ये हमको फायदा होगा आगे अगर हम इसकी तैयारी करते हैं। NTSC नहीं भी निकाल पाए तो आगे तो आपको फायदा ही फायदा होने वाला है, क्योंकि नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होती है। उसके बाद आता है कि अगर स्टूडेंट ने क्वालिफाई कर लिया स्टेज 1, फिर क्या होगा? देखिए, अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई नहीं करते हैं तो भैया आपको स्टेज 2 आप दे ही नहीं पाएंगे। अगर आपने स्टेज 1 क्वालिफाई कर लिया तो अब आप 2nd स्टेज दे पाएंगे और सिलेबस सेम रहेगा, फर्क इतना होगा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए 2nd तक पहुंचने के लिए, 40% इन ईच पेपर अगर आप जर्नल है या OBC है, और 32% चाहिए SC, ST और
फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे के लिए। अब देखिए पहला पेपर जो 200 मार्क्स का है उसकी 170 से लेकर 190 तक मार्क्स बच्चे ले आते हैं। रीजन इजी है, पेपर इजी पूछा जाता है स्टेज वन में, इसलिए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं थोड़ा भी पढ़ेंगे तो। उसके बाद जो सिमिलैरिटी विद स्टेज वन है, इन स्टेज टू मैट 100 का आता है क्वेश्चन और 100 ही मार्क्स है और 2 घंटे का पेपर है। सेट भी 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही मार्क्स है, 2 घंटे का है और सिलेबस सेम रहेगा। आपको जो स्टेज वन में आप तैयारी करके निकले थे वही स्टेज टू में आएगा, बस फर्क इतना होगा कि यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। स्टेज टू में आपका डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। अब इसके बाद आता है कि फायदे क्या है, हम क्यों तैयारी करें। अगर हमको फायदा ही नहीं है तो हम तैयारी क्यों करें। अब मैं आपको फायदा बताती हूँ। अगर आप ये निकाल लेते हैं NTSC का एग्जाम तो क्या क्या आपको रिवॉर्ड मिलेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात तो आपको हर महीने 1250 रुपए मिलेंगे पर मंथ आपकी पढ़ाई के लिए, जिस भी स्कूल से आप करना चाहें, जिस भी जगह से आप करना चाहें, आपको पर मंथ 1250 मिलेंगे 11th एंड 12th में। अब आप कहेंगे कि 1250 तो बहुत कम होते हैं, ये तो हम पार्टी में उड़ा देते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, 1250 रुपए काफी कम होते हैं। लेकिन क्या फायदा है, जैसे कि आप कोई कोचिंग करना चाहेंगे तो कोचिंग वाले को पता चलेगा, जैसे आप एरन में जाना चाहते हैं, आकाश में जाना चाहते हैं, उसको पता चलेगा कि आपने NTSC का एग्जाम क्लियर कर रखा है। तो अब वो क्या सोचेगा, ये बच्चा तो भाई बड़ा ही ब्राइट है और अगर इस बच्चे को मैं अपने इंस्टीट्यूशन में ले लूंगा तो मेरे इंस्टीट्यूशन में ही अच्छे मार्क्स लेकर ही आएगा और इसका बड़ा ही मेरी कोचिंग का नाम कर देगा। तो वो आपको डिस्काउंट दे देते हैं। अगर उनका 2 लाख का पैकेज है तो मे बी वो आपको 10 से 20% अपनी फीस में डिस्काउंट दे दें। अगर आप किसी कॉलेज में जाते हैं या रेपुटेटेड स्कूल में जाते हैं तो वो आपको एडमिशन दे देगा हाथ तो ही हाथ, ऊपर से फीस में भी कंसेशन दे देगा। ये 1250 रुपए तो गवर्नमेंट देगा ही देगा, साथ में कोचिंग वाला भी आपकी हेल्प कर रहा है, आपका कॉलेज स्टूडेंट, आपका कॉलेज वाला स्कूल वाला भी आपकी हेल्प करेगा और बिल्कुल आपका फटाक एडमिशन ले लेगा और फीस में भी डिस्काउंट दे देगा। अब डिस्काउंट किसको पसंद नहीं है। फिर उसके बाद आप किसी जॉब के लिए जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब के लिए, वहां पे बताएंगे NTSC के लिए किया था, भैया बड़े ब्राइट स्टूडेंट हैं, हम तो आपको लेकर ही रहेंगे, ये वाली बात आ जाती है। उसके बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको 2000 रुपए पर मंथ मिलेंगे। और उसके बाद अगर आप PhD करते हैं तो UGC के अंदर जो जो आपकी गाइडलाइंस आती हैं, जैसे कि 18000 रुपए या 30000 रुपए बच्चे को मिलते हैं पर मंथ UGC के अंडर, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। माने आपकी लाइफ टाइम सिक्योरिटी हो जाएगी एक एग्जाम के साथ। और ये लाइफ टाइम सिक्योरिटी सिर्फ एक एग्जाम निकालने से अगर आपको मिल रही है तो एग्जाम बिल्कुल दें, और ये एग्जाम गवर्नमेंट ही कंडक्ट करवाता है। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी देती रहूं तो आप मेरे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।